हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो आप ये जियोग्राफी का लेक्चर फर्स्ट देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने हिस्ट्री का लेक्चर फर्स्ट और पॉलिटी का लेक्चर फर्स्ट कराया है। तो अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं। तो ये पीवाईक्यू की सीरीज है। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी और आरआरवी, जेई और आरपीएफ, एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, विद हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज। तो भारत कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। तो जो भारत 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, जो 7 कंट्रीज हैं वो हैं, पहला है हमारा बांग्लादेश है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा अफगानिस्तान है, चौथा म्यांमार है, और पांचवा भूटान है, और जो छठा है वो नेपाल है, और सातवा है चाइना। तो ये 7 कंट्री हैं जिनके साथ अपना भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि मान लो आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हों, जैसे पूछा हो कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, और मान लो आपको कोई और कंट्री दे दी जाए, जैसे 3 ऑप्शन में भूटान, नेपाल और चाइना दे दिया जाए, और चौथा जो है श्रीलंका दे दिया जाए। तो यहाँ श्रीलंका दे दिया जाएगा तो आप लैंड बाउंड्रीज के साथ नहीं करता, वो मतलब जल बाउंड्री के साथ साझा करता है। तो इस तरह से भी आपको प्रश्न मिल सकता है यहाँ। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की है, तो वो है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो है 4096.7 किलोमीटर। तो ये लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, और ये मतलब फिफ्थ लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, मतलब वर्ल्ड में। ये भी पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड में फिफ्थ लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन कौन से देश की है, तो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है। और जो फर्स्ट पे आता है वो यूएसए और कनाडा का है, तो यूएसए और कनाडा, और इसकी जो लेंथ है वो है 8893 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है। तो ये सबसे मतलब पहले पे आता है कि सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री कौन कौन से देशों के बीच है, यूएसए और कनाडा के बीच 8893 किलोमीटर, और फिफ्थ पे आता है हमारा इंडिया और बांग्लादेश। तो ये फिफ्थ पे है। तो अब है हमारा अगला प्रश्न है, तो इंडिया हैज अ लैंड बॉर्डर ऑफ अबाउट विद नेबरिंग कंट्रीज। भारत की पड़ोसी देशों के साथ लगभग स्थलीय सीमा है, तो लगभग जो है वो है 15106 किलोमीटर, 15106.7 किलोमीटर के लगभग है जो स्थलीय सीमा है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जो कंट्रीज हैं मतलब लैंड बाउंड्रीज हैं, नेम ऑफ द कंट्रीज, लेंथ ऑफ द बॉर्डर। जो बांग्लादेश है वो सबसे लंबी मतलब कंट्री के स्थलीय सीमा है, 4096.7 किलोमीटर है ये। और जो दूसरे नंबर पर है वो है चाइना की है 3488, फिर तीसरे पे है पाकिस्तान 3323। तो ये भी पूछ लिया जाता है, मान लो आपको ऑप्शन में बांग्लादेश ना दिया हो और पूछ ले कि इनमें से ऐसे पूछता है, इनमें से किस देश की सीमा सबसे ज्यादा मतलब भारत से लगी हुई है, और आपको इन चारों में चार ऑप्शन दिए हों, तो बांग्लादेश ना दिया हो तो आप चाइना लगाएंगे। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेपाल की जो सीमा है 1751 किलोमीटर, म्यांमार की है 1643 किलोमीटर, और भूटान की है
99 किलोमीटर, और अफगानिस्तान की है 106। तो एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि सबसे कम सीमा जो स्थलीय सीमा है किस देश की लगती है, तो वो सबसे कम तो कौन से देश की, अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। तो ये भी पूछा जा सकता है कितने किलोमीटर, 106 किलोमीटर, और जो टोटल लेंथ है वो है 15,106.7 किलोमीटर। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो ये हमारा अगला प्रश्न है, द बॉर्डर इन द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट बॉर्डर। तो अभी हमने बताया था ऊपर फिफ्थ लार्जेस्ट बॉर्डर कौन सा है, इंडिया और बांग्लादेश का है, तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट बॉर्डर है, और जो पहले पे है वो कनाडा यूएसए का है। तो आप ये याद रखें, 8,893 किलोमीटर का है ये, फर्स्ट पे ये है, फर्स्ट लॉन्गेस्ट बॉर्डर ये है कनाडा और यूएसए का। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो ये हमारा अगला प्रश्न है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पासस। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कर्क रेखा से नहीं गुजरती, मतलब कौन सा राज्य है कर्क रेखा जिससे नहीं गुजरती, तो इनमें से वो है उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। तो जो 8 राज्य हैं, आप ये 3 तो देख रहे हैं, तो पहला है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिपुरा है, त्रिपुरा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरा राजस्थान भी लिखा हुआ है, राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश एमपी भी लिखा हुआ है, और जो चौथा है वो है गुजरात, पांचवा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छठा है वेस्ट बंगाल, और सातवां है झारखंड, और आठवां है मिजोरम, मिजोरम। तो ये इन 8 राज्यों से जो कर्क रेखा है वो इन 8 राज्यों से गुजरती है, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड और मिजोरम। तो आपको ये भी याद रखना है कि इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगला हमारा प्रश्न है, कैप कैमोरियन दस सदर्न मोस्ट पॉइंट टिप ऑफ द मेन लैंड इंडिया इज लोकेटेड ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मतलब जो दक्षिणी छोर है कैप कैमोरियन, निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है, जो कैप कैमोरियन है वो है तमिलनाडु में स्थित है, जो इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। कैप कैमोरियन कहाँ है, तमिलनाडु में। अब है हमारा अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड। जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार आइसलैंड में है। अब लेकिन 2004 में एक सुनामी आई थी, सुनामी, तो उसमें ये पॉइंट मतलब समर्ज्ड हो गया, मतलब डूब गया। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि सुनामी कब आई, 2004 में, और तब से ये पॉइंट मतलब डूब गया। तो अगला हमारा प्रश्न है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज द इंड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस। तो ये मिर्जापुर से पास होता है, भारत की मानक मध्यान रेखा निम्न में से किस स्थान से होकर गुजरती है, तो ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है, और 82 डिग्री 30 मिनट है इसका जो मतलब टाइम है, इतने डिग्री से होकर गुजरती है। ये आरआरबी ग्रुप डी 30/2022 को पूछा गया है। अब है तो हम थोड़ा जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। ये अभी हमने बताया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पासिस होती है, कहाँ से, मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश। और ये कितने राज्यों से पास होती है, 5 राज्यों से। तो इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो कितने राज्यों से पास होती है, और ये भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से पास होती है, तो वो 8 राज्यों से पास होती है, 8 स्टेट से पास होती है, और ये 5 स्टेट से। तो जो 5 स्टेट हैं वो है उत्तर प्रदेश,
और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो कि जैसे उस जो कर्क रेखा है वो उड़ीसा से पास नहीं होती है और आंध्र प्रदेश से भी पास नहीं होती है, ये छत्तीसगढ़ और यूपी से भी कर्क रेखा पास नहीं होती है। तो इन दो में से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा है वो पास होती है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट बनता है यहाँ से कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम है उसमें दो स्टेट ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा पास होती है। तो इस तरह से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगला हमारा प्रश्न है, द रेड क्लिफ लाइन हैज बिकम द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन। तो जो रेड क्लिफ लाइन है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा किन के बीच है? तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी राइट आंसर है। तो जो लाइन है इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि कौन सी कहाँ है। इन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो लैंड बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं वो डूरंड लाइन से रिप्रेजेंट होती है। इंडिया और चाइना की मैकमोहन लाइन है, इंडिया और पाकिस्तान की रेड क्लिफ लाइन है, अभी आपने एक प्रश्न देखा, यूएसए और कनाडा की 49th पैरेलल लाइन है, और यूएसए और कनाडा मतलब लार्जेस्ट स्थलीय सीमा है, आप ये भी एक याद रखें, लार्जेस्ट स्थलीय सीमा है। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, तो विच स्ट्रिप ऑफ वाटर सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। तो जल की कौन सी पट्टी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था, इसका आपको कमेंट में जवाब देना है, कमेंट में इसको आपका जवाब देना है। तो हमारे ऑप्शन है स्टेट ऑफ लोमबुक, बी है डूरंड लाइन, सी है स्टेट ऑफ मलक्का और डी है पाक स्टेट। तो ये RRV NTPC 10/1/2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आप देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि शेयर से ये है कि आपके दोस्तों को भी बेनिफिट हो जाए।